ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। महिलन कर पहनावा कलई के बयान दिए के बाद बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मुसीबत बढ़त नजर आवला ही। जहां एक तरफ महिला कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा 3 दिन के भीतर माफी मांगे खातिर कहा गया तो दूसर कई मानहानि के नोटिसों पकड़ा दिन कहा है। बता दें कि पूरे मामले का लेके बीजेपी महासचिव के कहा है कि विरोधी जाना था कि उनका मतलब का रहा। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचेश सभी जन का प्रणाम कही थे शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि महिलन के बिठेन के पहनावा पर बयान दिए के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का मानहानि के नोटिस पकड़ाए दिन का है। 3 पेज के मानहानि के नोटिस शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला के द्वारा एडवोकेट सौरभ मिश्रा के माध्यम से दिन गया है। दूसर कई विजयवर्गीय के द्वारा अपने दिन जाए वाले बयान के संबंध में कहा गया कि विरोधी यह जाना था कि उनका आशय का रहा। वो बयान में कोनो नया बयान अब नहीं दे चाह। विरोध करे वाले जाना था कि उनका आशय का रहा। यह जवाब उनके द्वारा सोमवार का जबलपुर में दिन का। दरअसल बुधवार का एक कार्यक्रम का संबोधित करे के दौरान कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा बिठियन के द्वारा पहने जाए वाले भद्दा पहनावा और नशा करे पर उनका सुपनखा जैसा बतावा गया रहा। शुक्रवार का उनका यह वीडियो बता दें कि सोशल मीडिया में वायरल भा जैके बाद महिला कांग्रेस के द्वारा इंदौर से लेकर भोपाल तक उनके खिलाफ प्रदर्शन कीन का रहा। 8 अप्रैल का शनिवार का 3 पेज के नोटिस जारी कीन का है। जोनीमा शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि लगातार नशा के कारोबार राजनीतिक संरक्षण व फल फूल रहा है। वैध अवैध पब नियम कायदा और कानून का ताक मरख के चल रहे हैं जिनका रोके वाला केव नहीं है। पुलिस प्रशासन नतमस्तक है और महिलन के ऊपर आरोप लगाए रहे हैं। बता दें कि नोटिस में 3 दिन में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग के खेद व्यक्त करे खातिर कहा गया है। दूसर कई अगर ऐसा नहीं किया तब योजन के कार्रवाई के बात कही गई है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल भरा है जोने मां कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा यह बयान दीन कर रहा कि लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि महिलाओं को देवी बोलते हैं लेकिन देवी का स्वरूप उनमें नहीं दिखता, बिल्कुल सुपड़खा लगती हैं। हालांकि कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद विधायक बेटा आकाश विजयवर्गीय के द्वारा पिता के बयान के समर्थन कीनगा। आकाश के द्वारा विरोध करने वाले कांग्रेस इनका सवाल के धुरे में खड़ा कर दीगा। उनके द्वारा कहा गया कि कैलाश विजयवर्गीय हमेशा धर्म और संस्कृति का बढ़ावा देता, सब युवती सभ्यता से कपड़ा पहना और नशा और दूसर बुराई से दूर रहा है संदेश कार्यक्रम के दौरान दे चाहत रहे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद सियासत गरमाई चुकी है। कांग्रेस का एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है बीजेपी का घेरे का या फिर कही कि राष्ट्रीय महासचिव घेरे का। हालांकि जहां एक तरफ कांग्रेस के द्वारा कैलाश विजयवर्गीय के बयान के विरोध किया जा रहा है तो दूसर कई प्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा विजयवर्गीय के बचाव किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि हमारे कपड़े इतने शालीन और सभ्य होने चाहिए कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हमें देखकर किसी के मन में भी कोई दुर्भावना जन्म ना ले। तो सजग रहिए और सतर्क रहिए कि आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दें। इजाजत, प्रणाम। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार, संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।